इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कुछ लोग आकर के हमसे प्रश्न करते हैं, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? बताओ आप लोग, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? हाँ, श्रीफल चढ़ा करके, तीन परिक्रमा करके, तो नमोस्तु करके, तो झुक कर, कैसे बनाए जाते हैं? गुरु ऐसे ही नहीं मिलेंगे। और जब हम सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, जब हम अपने आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, उस दृष्टि की बात कर रहे हैं, जब हम ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, खासकर उस समय उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। सामान्य तरह से देखा जाए तो कई बार हमें गुरु मिले होंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए होंगे। हो सकता है हम गुरु के सामने भी गए होंगे, हम उन्हें देख नहीं पाए होंगे, हम उन्हें स्वीकृत नहीं कर पाए होंगे, हमने उनमें गुरुपना खोजा ही नहीं होगा। हो सकता है कई बार हुआ होगा। गुरु रहने से कल्याण नहीं होता है, गुरु को स्वीकारने से कल्याण होता है। भगवान रहने से कभी कल्याण नहीं होता है, भगवान को मानने से कल्याण होता है। मारीची कहाँ पैदा हुआ था बताना? किस कुल में वो पैदा हुआ था? मारीची तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के कुल में पैदा हुआ था, पोता बनकर के पैदा हुआ था। आदिनाथ प्रभु का वो पोता था, पिता चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी जीव, अंतर्मूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया भरत चक्रवर्ती, चाचा प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गणधर भी उसी कुल में अनंत वीर वही चाचा, बुआ भी गणिनी आरिका है। सब कुछ तो अच्छा था नहीं था मारीची के लिए, इसके दादाजी तीर्थंकर पहले, पिताजी पहले चक्रवर्ती, कामदेव चाचा जी पहले, गणिनी आरिकाएं बुआ जी, पूरा खानदान जिसमें कई गणधर, कई मुनिराज, कई रिद्धि संपन्न ऋषि, क्या नहीं मिला मारीची को, जिनकी गोद में खेल करके जो बड़ा हुआ होगा मारीची, नहीं बड़ा हुआ होगा, जिसे संस्कार जन्म से मिले होंगे, जन्म छोड़ दो, छोड़ दे हम गर्भ से, जिस जीव को गर्भ से संस्कार मिले होंगे, बल्कि गर्भ में आने से पहले ही संस्कार मिले होंगे, नहीं मिले, फिर भी क्या हुआ? योग्यतम कुल में पैदा हुआ था मारीची, उससे अच्छा कुल किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है अपना कुल कौन सा होगा, आपका कुल कौन सा होगा? हैं आपके घर में दादाजी जो तीर्थंकर बने? नहीं है, हैं आपके पिता चक्रवर्ती बन गए हों, तद्भव मोक्षगामी हैं? कोई ऐसे कुल में तो कोई भी नहीं पैदा हुआ होगा। आपकी बुआ, आपकी माँ, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके फूफा, कोई भी तो ऐसे नहीं है। सबसे उत्तम कुल यदि दुनिया में किसी को मिला होगा तो मारीची को मिला होगा। योग्य क्षेत्र मिला नहीं मिला? योग्य क्षेत्र, योग्य कुल, योग्य निमित्त मिल गए, परवरिश बड़ी गजब की। फिर भी मारीची का क्या हुआ बताना?
जो आदिनाथ तीर्थंकर जिन्होंने अनेक अनेक जीवों का कल्याण कर दिया, उनके कल्याण में वे निमित्त बन गए, जिनके उपदेश को, जिनकी दिव्य ध्वनि को सुन करके कई जीवों को सम्यक दर्शन हो गया, जिनके दर्शन मात्र से कई मनुष्यों ने दीक्षा को ग्रहण कर लिया, जिनका सानिध्य पाकर के कईयों को मनचाही वस्तुएं मिल गई। सांसारिक क्षेत्र की भी बात करें, लौकिक क्षेत्र की भी बात करें, जिन्होंने जो जो चाहा सब कुछ मिल गया, सिर्फ सन्निधि पाकर के, उनकी निकटता पाकर के, उनका आशीर्वाद पाकर के लौकिक क्षेत्र में भी सब कुछ मिला और मोक्ष मार्ग में भी जिन्होंने सब कुछ पाया, किसके कारण? उन आदिनाथ भगवान के कारण, उन प्रथम तीर्थंकर के कारण। तो मारीची को तो योग्य तीर्थंकर ही मिले, गुरु का समागम मिला कि नहीं मिला? मिला, दर्शन भी मिले, पूजन भी मिली होगी, सब कुछ तो मिला था। फिर मारीची का क्या हुआ बताना? क्या हुआ मारीची का? मर करके भटक गया वो, कई बार नरक चला गया। अब प्रश्न उठता है, योग्यतम गुरु मिले, उनके सानिध्य में रहा, उनके उपदेश को भी सुना, उनके संस्कार को भी पाया उसने, फिर भी भटक गया, नरकों की यात्रा कर ली। तो गुरु रहने से, तीर्थंकर रहने से कल्याण हो जाए कोई गारंटी नहीं, कोई नियामक नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो कल्याण कैसे होगा अपना? अब उसी मारीची के जीव ने सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में अब तीर्थंकर नहीं मिले उसे, कौन मिले? एक मुनिराज मिले। अब उनके दर्शन करके, उनके उपदेश को सुनकर के उसी मारीची के जीव की आंखों में अश्रु की धारा, आंसू टप टप बह रहे थे, उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। वहां से उसका कल्याण हो गया, और तीर्थंकर आदिनाथ के रहते हुए उसका कल्याण नहीं हुआ। बड़ी विचित्रता लगती है कि नहीं? अजीब सा संयोग लगता है, अजीब से विचार आते हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान के रहने से, गुरु के रहने से कल्याण नहीं होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। गुरु के मिलने से कल्याण नहीं होता, गुरु को अपनाने से कल्याण होता है, गुरु को बनाने से कल्याण होता है। अब उसी जीव ने जब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारा, अब बड़े नहीं मिले, तीर्थंकर नहीं मिले, उनकी तुलना में एक सामान्य मुनिराज। जैसे ही उसने स्वीकारा, वो भी सिंह की पर्याय में स्वीकारा, मांसाहारी जीव था वो, शाकाहारी भी नहीं था, लेकिन स्वीकारा उसने उस पर्याय में, और वहीं से उसका कल्याण शुरू हो गया। और जब आदिनाथ मिले, सारा कुल मिला, सारा कुटुंब मिला, स्वीकारा नहीं था, मिले थे, सिर्फ सन्निधि थी, निकटता थी, पला पोसा बड़ा सब कुछ किया, लेकिन स्वीकारा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ। तो गुरु मिलने से कल्याण नहीं होता है, गुरु को स्वीकारने से कल्याण होता है, गुरु को बनाने से कल्याण होता है। तो आप लोग से पूछ रहे हैं, आपको जीवन में गुरु मिले कि नहीं मिले? पहली बात, तो पहला प्रश्न, मिले? आपने उन्हें मिलाया? आपने उन्हें बनाया? आपने उन्हें स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? अब दूसरा प्रश्न, स्वीकारा? कैसे स्वीकारा? श्रीफल चढ़ा करके? कैसे स्वीकारा? आंखों से आंसू बहा करके? कैसे स्वीकारा बताइए? स्वीकारना मुख्य है, अपनाना मुख्य है, तब जीवन बदलता है, और नहीं
जीवन वैसा ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कैसा? स्वीकारने का अर्थ क्या होता है? गुरु बनाना, कई लोग प्रश्न करते हैं कैसे गुरु बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बता सकते हो आप? कैसे गुरु बनाते हैं, कैसे स्वीकारते हैं गुरु को? आपने तो स्वीकार लिया ना, बना लिया, क्या किया आप लोगों ने अपने जीवन में? चूंकि ये प्रसंग इस कारण ले रहे हैं, अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, गुरु का प्रसंग आने वाला, सोचा कुछ दिन थोड़ा सा गुरु के बारे में बोल दिया जाए। आपने किस रूप में स्वीकारा, क्या उसकी भाषा है, क्या उसका भाव है, क्या उसका तरीका है, कौन सी विधि है? जिस विधि को अपना करके हम गुरु को बना ले, क्या किया आप लोगों ने अपने जीवन में? क्या किया महाराज जी, जैसे सब करते हैं वैसा कर लिया, ऐसा श्रीफल चढ़ा करके बोल दिया आज से आप हमारे गुरु, ऐसा ऐसा बोल दिया? तो क्या जब गुरु स्वीकारेंगे तब होगा कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तब होगा? आप निवेदन करोगे, फिर आचार्य भगवान कहेंगे हाँ ठीक है आज से तुम मेरे शिष्य, म्यूचुअल कंसेंट होगा, ऐसा होगा? कैसा होगा? हाँ, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। आपने निवेदन किया, वहां से परमिशन मिली, वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया, ठीक है अब हो गया, दोनों तरफ बॉन्ड साइन हो गया, हो गया क्यों अनुज ऐसी ना, दोनों तरफ बॉन्ड साइन हो गया, तभी ऐसे ही होगा कि कैसा होगा, कौन सा तरीका? ऐसा नहीं होगा। अरे भाव, बॉन्ड मीन्स भावों का बॉन्ड, कोई रिटर्न नहीं है, कोई बॉन्ड पेपर लिखना नहीं है, कोई नोटपैड नहीं बनाना है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं फिल करना है, अथवा स्टैम्प पेपर में नहीं करना है। कैसे, किस रूप में आप ले? इन्हें म्यूचुअली होना चाहिए, जो आप निवेदन कर रहे हो जब सामने वाला एक्सेप्ट करे, ठीक है ग्रांटेड, आपका निवेदन कबूल है, ऐसा तो कैसा, कैसे हम गुरु को बनाएं, कैसे हम गुरु को स्वीकारें, क्या हम करें? अब देखना, दूसरी बात रखते हैं, वो भी इतिहास का ही अंग है, एकलव्य की बात। एकलव्य ने गुरु को अपनाया था? नहीं अपनाया था। अच्छा, गुरु ने एकलव्य को अपनाया था? बताना, अब वहां क्या था? वहां तो वन साइडेड था, वहां तो वन साइडेड ही था। एकलव्य के पक्ष को यदि हम देखें, द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था कि एकलव्य ने मुझे गुरु बना लिया, पता था? नहीं पता था, ज्ञान ही नहीं था। कौन अपने मन में क्या संकल्प धारण कर ले, कैसे पता चले? फिर भी एकलव्य को सिद्धि हो गई। जब एकलव्य से पूछा गया तुम्हारे गुरु कौन है, अर्जुन ने पूछा था जंगल में जब एकलव्य मिला था, अर्जुन एकलव्य की धनुर्विद्या को देख करके आश्चर्य से भर उठा, बोला इस दुनिया में से दो ही जीव ऐसे हैं जिस कला को जानते हैं, शब्द भेदी बाण को चलाना जानते हैं, एक तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा मैं, हम दोनों के अलावा इस कला को कोई जानता ही नहीं है, ये तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया? कोई जंगल में अर्जुन को सर्वप्रथम एकलव्य नहीं मिला था, सर्वप्रथम दर्शन हुए तो एकलव्य के बाणों के दर्शन हुए थे। वो देख रहा था उस स्वान के मुख में तीर चलते आ रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कोई देव है, कोई ऐसी शक्ति है जो शक्ति के प्रहार से उस
श्वान को, उस कुत्ते को शांत करते चले जा रहे हैं। तुरंत वह समझ लेता है कोई दैवी शक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। दूर से ही सिर्फ कुत्ते की आवाज को सुन करके उसने बाण चला दिए और बाण सही निशाने पर लगते चले गए, तीर सही निशाने पर लगते चले गए, उसके मुख को भींदते चले गए। जांच लेता है, परख लेता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष कला वाला है, धनुर्विद्या को जानने वाला है। तो बाण को देख करके उसने अंदाजा लगाया, फिर खोजते खोजते उस दिशा में बढ़ता है जहां से बाण आ रहे थे, व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर जाकर के पूछता है एकलव्य से कि आपने ही बाण चलाए हैं? बोले हाँ मैंने ही चलाए हैं। अर्जुन पूछता है तुम्हें ये कला किसने दी? एकलव्य कहता है मेरे गुरु ने दी। बोले आपके गुरु? हाँ। बोले मेरे गुरु। बोले इस दुनिया में द्रोणाचार्य के अलावा तो कोई जानता ही नहीं इस कला को, तो क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें सिखा दिया? कहाँ है आपके गुरु? वो जंगल में है। दर्शन कराओगे? बोले हाँ अवश्य कराएंगे, क्या बात है, चलिए। एकलव्य आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे, उत्सुकता थी अर्जुन को, मन में विचार आ रहा था आखिर कौन से ऐसे गुरु आ गए जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। एकलव्य वटवृक्ष के नीचे लेकर के जाता है जंगल में, घने जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, देखता क्या है, उस वृक्ष के नीचे प्रतिमा रखी है वैष्णव दर्शन के अनुसार, और जैन दर्शन के अनुसार प्रतिमा नहीं थी, वहां एक खंभा खड़ा था, पिल्लर जैसे दिख रहे हैं ना, पिल्लर था वहां पे। जैन शास्त्र पांडव पुराण ग्रंथ में आया है, पढ़ना ध्यान से, उसमें लिखा है एकलव्य ने जिसे गुरु बनाया था, बनाया तो उसने द्रोणाचार्य को ही गुरु था, लेकिन उसने माटी की मूर्ति नहीं बनाई थी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।